प्रवीण बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है ये, ये देखो आलीशान एकदम। 4 दिन 4 लोग 16,000 रुपये बनता है एक बंदे के लिए, 1,000 रुपये पर डे पर पर्सन। सारा लाइट्स ऑन होके ऊपर देखो, पूरा फॉल सीलिंग में कर रखा है, और वो पीछे वहाँ पे कहीं बीच है, बड़ा सही व्यू आता है। और ये देखो कैसे फूली फूली से पूड़ियाँ सारी मज़ेदार। रूम का वाइड एंगल शॉट ऐसे है मस्त एकदम ये। और सुनील बाबू डोसा बना रहे हैं। सो आई गाइस, तन्मय द सेट फ्रॉम ट्रैवलिंग भाजी, और अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ पुरी में। अभी हम लोग आए हैं उड़ीसा में, और ये फर्स्ट डे है हमारा उड़ीसा में। हम लोग डायरेक्टली जस्ट लैंड करे एयरपोर्ट पे, और वहाँ से कैब में आ गए पुरी। मस्त एकदम माहौल हो रखा है पुरी का, वेदर एकदम सही लग रहा है अभी तक तो। बाकी तो एसी में अभी बैठे हुए हैं, गाड़ी में बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कैसा वेदर है। बीच के जस्ट मतलब 500 मॉडल बीच से जस्ट 500 मीटर पास में ये हम लोगों ने एक एयरबीएनबी लिया है। क्रेजी क्रेजी 4 BHK एयरबीएनबी है। जाके आपको दिखाता हूँ कैसी प्रॉपर्टी है, पूरा प्रॉपर्टी का टूर करेंगे, बीच दिखाऊंगा, बाकी पूरा इंटरेस्टिंग रहेगा वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और नीचे कॉमेंट करके बताना कि आपने क्या पूरी विजिट करा है, क्योंकि बहुत बढ़िया जगह है पूरी। बात करते हैं आपसे आगे चल के, इन 3 2 1। तो ये है वो प्रॉपर्टी एयरबीएनबी की जिसमें मैं अभी रुका हुआ हूँ, और क्या सुंदर लग रही है। ये एक और गेस्ट हाउस है, ये वाला मेरा गेस्ट हाउस है, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये जो पूरा दिख रहा है ना आपको, ये पेड़ का व्यू थोड़ा सा ब्लॉक कर रहा है, वरना इतना सुंदर लगता है ये, लाइक अ प्योर रेजिडेंशियल होम, घर जैसा है। और ये हम लोगों ने ये कैब कर रखी है, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूँ ये मेरा घर है पुरी में, दिस इज़ माई होम इन पुरी, क्योंकि Airbnb का एक तरीके से मतलब ही वो होता है। अब चलते हैं आपको अंदर रूम टूर देते हैं, हाउस टूर देते हैं बेसिकली। यहाँ पे आपका सेफ्टी वगैरह का लॉक्स है। यहाँ से आप एंटर करते हो ना, तो एंटर करते ही राइट साइड पहला कमरा है, ये इन्वर्टर और आपका पावर सप्लाई है, जिसका कहानी बाद में समझ आएगा। और ये बेसिकली आपका डाइनिंग एरिया है, इसका मैं सारा लाइट्स ऑन करके आपको एक बार दिखाता हूँ कैसा रहता है। ये सारा लाइट्स ऑन होके ऊपर देखो, पूरा फॉल सीलिंग में कर रखा है, सारा लाइट्स वगैरह एंड एवरीथिंग, पंखा वगैरह। एंड दिस इज़ हाउ द डाइनिंग एरिया इज, एक बड़ा सा सोफ़ा है लेड बैक सा। यहाँ पे सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर हुआ हुआ है। अच्छा, ये जो एयरबीएनबी रहे, ये बाकी एयरबीएनबी से बहुत अलग है, कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो इस फ्रिज में इतना सारा खाना पड़ा है, दुनिया जहान का खाना पड़ा है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक केयर टेकर भी है, केयर टेकर की फैसिलिटी है, जिनका नाम है सुनील भैया। सुनील भैया आज हम लोगों का, वैसे तो ये पार्ट आप वीडियो के स्टार्टिंग में देखोगे, बट आज हम लोग निकल रहे हैं तो मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में एकदम शूट करा, क्योंकि जैसे हम लोग घर आए थे, मतलब एयरबीएनबी में आए थे, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर बहुत हेक्टिक रहा, फिर मैंने बोला साफ़ सफाई, तो अभी मतलब एकदम जाते टाइम फिर से साफ सफाई होती है, तो आपको तब दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अभी सुनील भैया भी, अभी 2-3 दिन कोई गेस्ट नहीं आ रहे शायद, हाँ, तो जब 2-3 दिन बाद जब गेस्ट आएंगे तो सुनील भैया फिर से किचन में आएंगे। तो अभी किचन थोड़ा सा फिर से साफ़ सफाई हो रही है किचन की, कैसे हैं भैया खाना आपने कैसे इतना बढ़िया बनाते हैं? ये उड़िया खाना भी बना लेते हैं, नॉर्थ इंडियन भी बना लेते हैं, साउथ इंडियन भी बना लेते हैं। आप आगे जाके देखोगे वीडियो में, हम लोगों ने इनसे डोसा खाया, पराठे खाए, छोले खाए, और वो क्या बेसर बनाया था, बेसर, मतलब सारा खाना, और इतना कमाल का बनाते हैं, मज़ेदार। तो ये केयर टेकर है, इनकी वजह से आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एकदम आपको आलसी बना देते हैं। ये यहाँ पर दिखाया था, ये पहला वो डाइनिंग रूम है, और ये पहला रूम है, जैसे इसकी पावर ऑन कर देता हूँ मैं, फिर ऐसे बेल बजा सकते हैं। रूम में एंट्री करते हैं, रूम की सारी लाइट्स ऑन करके आपको दिखाता हूँ एक बार। रूम का वाइड एंगल शॉट ऐसे है मस्त एकदम। ये बेड है आपका, सुपर कम्फी तो नहीं कहेंगे, बट इसको सुपर बढ़िया बेड कहेंगे, क्योंकि ये ना हार्ड गद्दा है, तो इसमें ना ये हार्ड गद्दा है तो इसमें सोने में ना मज़ा आता है, और कमर ज़्यादा दर्द नहीं होती। टाटा स्काई को बंद करें। ये क्लोजेट एरिया, बेसिकली क्लोजेट एरिया का अपना ये रूम है, अपना ताला चाबी है क्लोजेट एरिया का। यहाँ पे आप अपना सामान सारा अरेंज कर सकते हैं, वार्डरोब अपनी पूरा हैंगर्स वैंगर्स से,
वो वहाँ पे एक चेयर भी है कि आप बैठ के अपना ड्रेसिंग टेबल एक तरीके से है आपका। लाइट्स वाइट पूरा मस्त लगा हुआ है, क्लॉजेट एरिया का अलग से लाइट्स है सारा, आराम पूरा एक तरीके से अलग रूम ही बना रखा है क्लॉजेट का। ये वॉशरूम है आपका, वॉशरूम में भी एग्जॉस्ट और गीज़र वगैरह लगा हुआ है, और आपका शावर भी बहुत कमाल का है, मैं यहीं पर नहाऊँ पिछले 4 दिन मस्त, और खुशबू भी एकदम सुगंधित खुशबू आती है जिसे कहते हैं हम लोग। तो ये आपने पहला कमरा देखा ना, ये पहला कमरा देखा, इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी फिर कंट्रोल वी दो चिपका दो, और ऐसे दो कमरे ऊपर हैं यहाँ पे, ये जैसा कमरा है एकदम हूबहू चिपका के पेस्ट कर दो, दो कमरे और ऊपर है, और जो चौथा कमरा है वो थोड़ा सा छोटा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी सैर कराता हूँ, बाकी दो कमरे तो एकदम एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पे ना इसका, क्योंकि ये नीचे है इसका, ये मतलब होटल जैसा हिसाब है, पावर सप्लाई सारा कंट्रोल्ड है, तो एक बटन से सब ऑफ हो जाता है, बाकी वाली कमरों में नहीं होता। इस साइड पे यहाँ के जो है कभी कभार जो एयरबीएनबी के ओनर है उनका, वो यहीं कहीं रहते हैं इस साइड पे, और वो पीछे वहाँ पे कहीं बीच है, बड़ा सही व्यू आता है। ऊपर छत से दिखाता हूँ, छत भी अपनी है। 4 दिन के मतलब 4 दिन हम लोग यहाँ पे रुके, अराउंड 16,000 भी पेड, बहुत रीज़नेबल प्राइस है कंसिडरिंग पूरी में अभी पीक सीज़न चल रहा है, और पूरी में जो रेट हैं वो आग छू रहे हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग बड़ी कम है, मतलब दो बंदों का खाना, आप कहीं जाओगे ना ऐसे खाने तो आपका 100 रुपये में दो बंदों का खाना हो जाएगा, पर जो दो बंदों का रहना है वो 10,000 में होगा। ढंग की जगह पर रहोगे, ठीक ठीक जगह पर रहोगे तो दो बंदे 6,000 में रहेंगे, और वो ऐसी ठीक ठीक ही रहेगी। ये वही बताया ना, ये दूसरा रूम है यहाँ पे, एकदम हूबहू ऐसे जैसा पहले वाला रूम है, और ये फिर तीसरा रूम है। ये जो रूम है ये देखो, यहाँ पे मैं सो रहा था, क्योंकि ये सारे, ये 3 रूम फर्स्ट फ्लोर पे है, बाकी वो नीचे था, थोड़ा अलग सा ही लगता है वो। तो ये तीसरा रूम है, मतलब ये थोड़ा सा रूम का साइज़ छोटा है, फॉल सीलिंग, इसकी सारी लाइट्स वगैरह जला के दिखाता हूँ आपको कैसा लगता है। मस्त, यहाँ पे हर रूम में फॉल सीलिंग करी हुई है, बड़ा मॉडर्न रूम है पूरी के हिसाब से ना। मैं अगर आपको कायदे से बताऊँ, मैं अभी होटल छानबीन करके आया था, क्योंकि यहाँ पे ना बीच में बिजली बंद हो गई थी, और फिर हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, देन हम लोगों का था कि ये प्रॉपर्टी कैंसिल करके, 2 दिन रुक गए थे, दो दिन का बाकी का स्टे हम लोग कैंसिल करके रिफंड मांगने वाले थे, और किसी होटल में जाने थे बीच के पास में। अभी हम लोग बीच से 500 मीटर दूर है, हम लोग बीच से जस्ट 50 मीटर दूर होटल देखने जा रहे थे, फिर बीच से 300 मीटर अंदर जाके, मतलब जितना ये अंदर है वो देखने जा रहे थे होटल, और फिर रियलाइज़ करा कि ये जो चीज़ है ना ये बहुत ही बढ़िया है। फॉल सीलिंग एकदम साफ़ सफाई जैसे हो रखी है, जो बेड्स जैसे मेंटेन्ड है, जो मतलब जैसे फैमिली विजिट है ना ये घर वालों के लिए, जैसे पूरी में लोग आते भी घर वालों के साथ है, जैसे मैं भी अपनी फैमिली के साथ ही आया हूँ फैमिली वेकेशन पे, तो एकदम घर वालों के लिए बहुत बढ़िया जगह है, और बहुत ही किफ़ायती दाम पे है। 4 दिन 4 लोग 16,000 रुपये बनता है एक बंदे के लिए, 1,000 रुपये पर डे पर पर्सन, ये बुकिंग बहुत कमाल की है, मतलब मेरे को 4,000 की पड़ी है, बट अगर आप आई थिंक अकेले आओ या 2 लोगों के साथ आओ आपको ये 1,500 की बुकिंग पड़ेगी। और यहीं पे अपना बालकनी भी है, और ये बालकनी से ये कमाल का व्यू आता है, कह रहा हूँ ना बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है ये। ये देखो आलीशान एकदम, क्या सुंदर प्रॉपर्टी है। और ये वो पाम ट्रीज देख रहे हैं ना, ये फनी के बाद सारे पेड़ जो है ना या तो ऐसे हो गए हैं टेढ़े हो गए हैं, या फिर सारे गिर गए हैं टूट गए हैं, तो ये बड़ा नुकसान हुआ है फनी के बाद। बट जितना मैंने उड़ीसा में स्टे किया है मुझे लग रहा है कि फनी के बाद भी उड़ीसा बहुत अच्छे से रिकवर हुआ है, और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। ई रिक्शा वगैरह पूरी में चलते हैं मस्त एकदम, और बाकी तो आप प्राइवेट कैब्स लो तो ही अच्छा रहेगा। मस्त व्यू है नीचे का, ये ऊपर का व्यू है मज़ेदार। चलो अब बाकी चलते हैं अंदर, वीडियो में चलते हैं। अब जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो फेस है, अभी हम लोग जस्ट ये उस बिल्डिंग के पीछे जो है वो है मॉडल बीच, और इस साइड पे पीछे की साइड पे है रेलवे स्टेशन, पूरी रेलवे स्टेशन।
तो पूरी रेलवे स्टेशन वाला जो फेज़ है वहाँ की सारी इलेक्ट्रिसिटी चल गई। अब ये इलेक्ट्रिसिटी का पोल है, कल आए थे यहाँ पे इंजीनियर्स आए थे, उन्होंने काम किया, उनसे हो नहीं पाया, आज फिर से आए हैं, अब करा फिर अब चले गए, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मेरे एयरबीएनबी वाले जो ओनर है दे आर ट्राइंग टू डू हिज बेस्ट, बट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट डूइंग द रेजोल्यूशन दैट दे शुड, मतलब इतना नहीं साथ निभा रहे तो उससे बहुत गड़बड़ हो रहा है। बट एनीवे ये सब तो ट्रैवलिंग में आता ही रहता है, उतार चढ़ाव। तो बस अभी ये सारा सामान पैक करेंगे। तो क्या बोला था, सारा का सारा सामान हो चुका है हमारा पैक, बैग भी टांग ली है। बिजली एक्चुअली क्या है, बिजली आई थी फिर बिजली चले गई, फिर इन्वर्टर जो लगा था वो नीचे फूक गया है। हमारे एयरबीएनबी वाले होस्ट के लिए मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ, बेचारे इतनी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं हमारी, बट सर्कमस्टांसिस आर नॉट इन हिज हैंड। तो अभी जनरेटर जो है, जनरेटर बोरा, वो जनरेटर दे आर ट्राइंग टू फाइंड समबडी, वो जनरेटर को जैसे वो करके चलाते ना, करके चलाने वाला बंदा ढूंढ रहे हैं, वो आ रहा है, इतना जनरेटर चलेगा, फिर 5 मिनट बैठेंगे, थोड़ा सा पसीना सुखाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकलेंगे, फिर आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है, ओके। ये हमारे छोटू से एयरबीएनबी की किचन है, पूरा स्लाइस काट ले। और ये सुनील भैया, हाय, कैसे हो? तो ये यहाँ के केयर टेकर है, सारा खाना वाना बनाते हैं। आपको सारा खाना आता है? नॉर्थ इंडियन, चाइनीज खाना बड़ा अच्छा बनाते हैं, डोसा वगैरह भी बनाते हैं। चलो अगर टाइम मिलेगा तो इनके हाथ का डोसा भी खाने की कोशिश करेंगे। हाँ, साउथ इंडियन भी बनाते हैं, कल परसों खा लेंगे, कल खा लेंगे। तो ये हमारे एयरबीएनबी के केयर टेकर है सुनील, और सुनील बाबू डोसा बना रहे हैं। ये क्या आलू है? अच्छा, आलू से ताकि वो नीचे ना लगे। हाँ, मैंने नेट पर पढ़ा था प्याज से भी ऐसे ही करते हैं, प्याज आलू से लोग करते हैं। मज़ेदार डोसा बनाते हुए सुनील बाबू हमारे, बेहतरीन। आज हम लोग साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट कर रहे हैं एयरबीएनबी में, और ये एयरबीएनबी इसकी खासियत होती है, आपको घर जैसा एकदम फील कराते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एयरबीएनबी का टूर दिया, अभी हम लोग 4 BHK एयरबीएनबी में, एयर हवा बी एन बी ऐसी कंपनी का नाम है, ठीक है। कंपनी से वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, पर मुझे कंपनी का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है, इसलिए मैं खुद के पैसे खर्च करके इस ट्रिप में हम लोगों ने 16,000 रुपये खर्च किए हैं सिर्फ रहने के लिए। और पूरी के अगर आप रेट की बात करो तो उसमें तो बहुत रीजनेबल है, और जो सर्विस है और जो एयरबीएनबी के होस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। प्राइवेट बोट्स और गवर्नमेंट बोट्स का कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है, वो तो आप उसकी वीडियो छिलका लेक की वीडियो में समझ जाओगे क्या है पूरा कॉन्सेप्ट, बट अभी मैं समझ रहा था क्या कॉन्सेप्ट है। मेरे को स्पेशली आके उन्होंने बताया कि आप लोगों को ना आपके टैक्सी वाले लेके जाएंगे, वहाँ पे 3,000 की बोट होगी तो 1,500 रुपये इनको मिलेंगे, बट अगर आप गवर्नमेंट वाली लोगे तो शायद आपको 1,500-2,000 की मिल जाएगी, तो आपके पैसे बच जाते हैं। तो ये अब वही प्राइवेट और गवर्नमेंट के लड़ाई झगड़े में हम लोगों का नुकसान होता है थोड़ा, जो इन्होंने बचा दिया। अब आराम से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं, और आपसे बात करते हैं थोड़ा सा बाद में जब शाम को वापस पहुँच जाएंगे। वो आलू आधा काटा उसने, आ गया डोसा, आ गया मसाला डोसा। ओ, फर्स्ट मसाला डोसा सुनील बाबू का। मूंगफली वगैरह डाली हुई है, सही बनाया, वेरी फिलिंग मसाला डोसा। हाँ, सही बनाया, हेल्दी डोसा मम्मा। तन्मय एंड मम्मा आर हैप्पी, दे लाइक साउथ इंडियन। और आपको क्या पसंद है? पंजाबी बाय हार्ट, बट आई स्टिल आई फीलिंग भी बहुत अच्छी थी। पूरी फैमिली मस्त ट्राई करते हैं पूड़ी और छोले, और पहले पूड़ी और बेसन ट्राई करते हैं। ओह, पूड़ी भी कितनी सॉफ्ट है, देखो। बेसन ट्राई करते हैं कैसा है इसका टेस्ट। बहुत ज़्यादा इसमें मस्टर्ड डाला हुआ है, सौंफ और मिक्स वेज, थोड़ा सा कड़वा कड़वा सा है मस्टर्ड की वजह से, बट और बहुत हेल्दी भी है। बहुत हेल्दी है। अरे देखो कैसे फूली फूली सी पूड़ियाँ सारी, मज़ेदार। चने ट्राई करते हैं हम और फिर तसल्ली से बैठ के सारा खाना एंजॉय करेंगे। एकदम टिपिकल दिल्ली वाले छोले जो आपको कुछ रेस्टोरेंट्स में मिलेंगे खाने के लिए, मतलब ये कुछ रेस्टोरेंट से अच्छे छोले हैं,
इतने बढ़िया छोले हैं, मज़ेदार एकदम। अभी नहीं, ये इस एयरबीएनबी की खास बात है, यहाँ के केयर टेकर सुनील बाबू हमारे बढ़िया खाना बनाते हैं। अब आराम से तसल्ली से बैठ के इंजॉय करते हैं। चलो जी, ये हो गया वीडियो का एंड यहाँ पे। वीडियो का स्टार्ट भी ऐसे ही करा था, वीडियो का एंड भी ऐसे ही करते हैं। बाय बाय कर देते हैं प्रॉपर्टी को। बाय बाय प्रॉपर्टी, बाय बाय सुनील, ध्यान रखना, बढ़िया खाना ऐसे ही बनाते रहना, लोगों को खिलाते रहना। सुनील के हाथ का कभी खाना खाओ यहाँ पे आके, मज़ा आएगा पूरी में। ओए होए, बाय बाय द प्रॉपर्टी, बाय बाय द रूम, बाय बाय पूरी, टिल नेक्स्ट टाइम। ये मेरी दूसरी बार थी पूरी में, तीसरी चौथी बार जब चक्कर लगेगा सब लगेगा। अभी तो निकलते हैं किसी और जगह, किसी और एक्सपीरियंस की तलाश में। आपसे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और नीचे कमेंट करके बताना कि आपने कभी पूरी विजिट किया है या फिर कि आपने कभी एयरबीएनबी में स्टे किया कि नहीं किया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ऐसे ही बढ़िया बढ़िया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कह रहा हूँ एक्सपीरियंसेस आते हैं हफ्ते में चार बार। मैं तन्मय फ्रॉम ट्रैवलिंग बाजी अभी निकलता हूँ किसी और बढ़िया ट्रैवलिंग की तलाश में। क्या हो रहा है आज, किसी और बढ़िया एक्सपीरियंस की तलाश में आप लोगों के लिए। आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एंजॉयिंग एंड ऑलवेज कीप ट्रैवलिंग। बाय बाय नाउ।